दोस्तों को हेलो, बड़ों को मेरे राम राम दोस्तों। और नया वीडियो लेके आ गई हूँ मैं आज, जो मेरे कपड़े पे बताऊंगी आपको। और जो ड्रेस मैंने पहन रखी है, लेकिन एक बात है, आप लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो पे और आप पूरी डिटेल दूंगी मैं कपड़े के बारे में। मैं कहाँ से कपड़ा लाई हूँ, कैसे ये ड्रेस बनाई है मैंने, और मेरे लहंगा की डिटेल देती हूँ दोस्तों आज आपको मैं। वाइन कलर है ये जो, और ये मीटर बता दूँ, आप मीटर को आपको पता होगा, ये 7 मीटर लहंगा है, 7 मीटर लहंगा है। और इसको लेके आई हूँ मैं दिल्ली से, जोड़जट टाइप में है ये, पेवर जोड़जट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता है, उसमें अलग ही कपड़ा है, हटके अभी चल ही रहा है ये। और इसमें बात करें कढ़ाई की, तो इसमें धागे की कढ़ाई है, जो देख रहे हो सितारा की कढ़ाई है, और सितारा भी इस तरह से लगाया गया हुए है, धागे में लगाए हुए हैं, जो जाने वाला काम नहीं है। अभी मैंने इसका कोई गोटा पत्ती का कोई काम नहीं करा, प्लेन लहंगा है अभी, जैसे हाथ दुकान से कपड़ा वैसे है, तो भी सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है पहनने पर, आप देख रहे हो। और घेर है इसमें, बहुत ज़्यादा घेर है, और हटके ड्रेस है, मेरी नई ड्रेस है ये, जो अभी चली है। दोस्तों मैं आपको, देखो मेरे लहंगा का जो घेर है, फुल घेर 7 मीटर का, वो बता देती हूँ आपको घूम के, और आपको पता हो जाएगा कैसा घेर है। और अब बात करते हैं दोस्तों मेरी ओढ़ने की, जिस मैंने ओढ़ रखी है अभी, और पीच कलर है ये, सिफोन की है ये, और बहुत हल्का कपड़ा है ये, आप कहीं भी कोई सी ड्रेस पे चल सकता है, गर्मियों पे, गर्मियों में इतना अच्छा रहता है, हल्का कपड़ा है, कोई गर्मी नहीं लगे इसमें। और ये देख रहे हो आप, डेड पार्ट की है, फुल है लुगड़ी भी मेरी, जो डेड पार्ट की आती है उड़नी, ये सभी जानते हैं, एक पार्ट की सिंगल तो बहुत कम आती हैं, कॉटन की लुगड़ी आती है वो। बाकी की इसके बारे में बात करें, इसके काम के बारे में, तो देखो इस पर ये जो बनवाई हुई थी मैंने ये लुगड़ी, ये फूल हैं, गुलाबी फूल हैं, और इसमें ये नीला फूल भी हैं जो लगा रखे हैं, और दूसरा इसमें बारीक पत्तियां लगी हुई है दोस्तों, टू प्लाट आप देख रहे हो, इसमें ये टू प्लाट लगी हुई है, बारीक बारीक टू प्लाट लगाई है, तो इसमें बहुत चमक है लुगड़ी में, बहुत सुंदर लग रही है, हटके ओढ़नी है। और बात करें इसकी जो आगा की बॉर्डर की, तो ये बॉर्डर मैंने बारीक लेस की लगाई हुई है, और इसमें ये पैपकिन लगाई हुई है जो आप देख रहे हो। और बाकी के इसमें देखो, पूरी ओढ़नी में ऐसे फूल हैं, ये बारीक पत्तियों के फूल हैं, शाइनिंग है पत्तियों में, खास बात तो ये है, इसलिए ये ओढ़नी शाइनिंग मारते हैं, इसकी कढ़ाई बहुत सुंदर है और बहुत ज़ोरदार लग रही है दोस्तों ओढ़ने पर, आप भी देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगी, मुझे तो सुंदर लगी है, आपको भी सुंदर लगनी चाहिए। और दूसरी बात, इसका देखो नीचा को आप देख रहे हो, मशीन से इतना बारीक काम करा है, आपका ये काम खाई नहीं जाएगा, आप धोने की तो क्या है, धो तो नहीं धो सकते हैं इनको, ज़्यादा करके ड्राई क्लीन करते हैं ओढ़नियों की, लेकिन उसमें भी ये काम खाई नहीं जाएगा। आजकल लुगड़ियों के देखो तार खुसक जाते हैं, धागे खुसक जाते हैं, लेकिन इस ओढ़नी के धागे खाई नहीं खुसकेंगे, बहुत मजबूताई से और बहुत बढ़िया काम करा है मेरी ओढ़नी का। और ये ओढ़नी मैंने साई दे के बनवाई थी, बहुत बढ़िया, आप देख रहे हो चारों मेर, और आप देख रहे हो मेरे पीछे वाले जो ओढ़नी का पीछा का हिस्सा है, उसमें भी फूल पत्तियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये ओढ़नी मैंने ओढ़ रखी है, उसी टेप से आप ओढ़े तो और भी अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, ओढ़ने का भी फर्क होता है, ओढ़नियों को अपने आप ढंग से ओढ़ोगे तो लुकवाई अच्छा देगी। और ओढ़नी आप इस तरह से ओढ़ सकते हो दोस्तों, जो मैंने ओढ़ रखी है, और जो भी लड़कियां हैं वो अच्छे पूरे पल्ले रखें और इस तरह से ओढ़ें तो अच्छा लुक देती है। और दोस्तों बात करते हैं मेरे ब्लाउज के बारे में, जो इसका कलर है गोल्डन कलर है इसका, और आप कोई सी भी ड्रेस में चले जाता है, सदा बाहर है ये कलर। और इसके जो लेस है वो मैंने लगाई है, घर पर ही लगाई है लेस, मेरे जो लहंगे में काम हो रहा है तीतरियों का और इनका, वही काम मेरे ब्लाउज में हो रहा है, तो मैचिंग हो गई मेरे ब्लाउज की, लहंगा की, ओढ़ने की, और बड़ा सुंदर लग रहा है।
देखो मेरे लहंगा मैंने अलग बनवाया है, लुगड़ी अलग बनवाई, ब्लाउज अलग बनाया, अलग अलग ड्रेस बनवाई है ये, जो जगह जगह से कपड़ा लेके अलग बनवाया। तो दोस्तों मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, और मेरी ड्रेस के बारे में कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसमें आपको पूरी डिटेल बता सकती हूँ। बाय बाय दोस्तों।